जिले के नौसड़ के हरैया शिव मंदिर पर शुक्रवार को ग्रामीण विधायक विपिन सिंह द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान सदर तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिसके संबंध में विधायक विपिन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा कोरोना काल से ही सबको वैक्सीन लगवा कर प्राण की रक्षा की जा रही है, उसी तरह से बाढ़ के समय में भी बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को 400 लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरित किया गया। सदर तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा ने कहा कि गोरखपुर शहर के सटे ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घरों तक आ गया है तथा शासन के निर्देश अनुसार बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है तथा जितने भी बाढ़ प्रभावित परिवार या घर हैं सबको राहत सामग्री दिया जाएगा। राहत किट में आटा, चावल, तेल, साबुन, नमक, मसाला, एक व्यक्ति को 2 दिन की दिनचर्या करने की सामग्री होती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर लालजी विश्वकर्मा तथा ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा। अच्छा, आप लोग जाना तारा में महाराज जी का व्यवस्था है अपने जो महाराज, बहुत अच्छा बात, बहुत वजन बात, एक जन उठा के नहीं देता कोई आप लोग इधर रहिए थोड़ा सा, आप लोग इसमें सहयोग करिए ना, कराने मोदी योगी आदित्यनाथ, विपिन सिंह योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आप लोग बहरामपुर बाढ़ हमारे यहाँ जो भी गोरखपुर शहर के सटे हुए काफ़ी इलाके हैं, गांव हैं, जहाँ पर पानी इस समय बढ़ा हुआ, रास्ते बाधित हैं, काफ़ी कहीं कहीं घरों में भी पानी आ गया है। तो शासन की मंशा के अनुरूप जो राशन किट है वो राशन किट बांटा जा रहा है, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी हैं उनके द्वारा बांटा जा रहा है और कल भी बांटा गया था, अभी इसके बाद भी अन्य कई गांव चयनित हैं जहां पर प्रभावित है वो बांट करके संतरित किया जाएगा, जितने भी प्रभावित परिवार हैं उनको बांटा जाएगा। हमारे पास राशन किट में संपूर्ण आटा, चावल, दाल, तेल, नमक, मसाला, एक गृहस्थी को 2 दिनचर्या पूरा करने के लिए जितने सामग्री की ज़रूरत होती है सारे उस पैकेट में है। इसके अतिरिक्त एडिशनल के रूप में पन्नी जो प्लास्टिक वाली है जिससे बरसात के सीज़न में उसको रोका जा सके, कहीं अगर पानी गिरता हो या चूता हो तो उसको रोका जा सके, और डब्बा भी दिया गया है पेयजल वगैरह की अगर कहीं कहीं ज़रूरत होगी, केरोसिन भी आयल भी मिलेगा, अभी आ रहा केरोसिन आयल भी मिल जाएगा, जहाँ पर लाइट की समस्या है वहाँ पर केरोसिन आयल भी दिया जा रहा है कि अगर लाइट ना हो तो वो उससे भी उनका रोशनी और अन्य काम के लिए प्रयोग किया जा सके। कितने लोगों का है? करीब 400 लोगों का यहाँ पर इस स्थल पर है, अभी हरैया गांव के लोग ले जा रहे हैं, उसके बाद बहरामपुर दक्षिणी वाले हैं, उसके बाद बलईगाड़ा अगला गांव है वहां पर से। कहना कि देखिए जनता महसूस करे इतनी बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं रही, पूर्ववर्ती सरकारों में जनता का ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पूज्य महाराज श्री ने बाढ़ के समय में इस तरह से कोरोना में सबका इंजेक्शन लगवा के जनता के प्राण की रक्षा की, उसी तरह से बाढ़ के समय में भी पूज्य महाराज जी ने इतनी खाद्य व्यवस्था इतनी अच्छी की है जिससे जनता में पूज्य महाराज के प्रति बहुत अच्छा भाव है। करीब 400 लोगों को यहाँ इस सेंटर से हम लोग आज यहाँ राहत सामग्री वितरित करना है और आगे फिर बलुईगाड़ा बढ़हरा में यहाँ से 4 बजे का विवाह होना है। यह रोज है, यह हमारे ही क्षेत्र में नहीं पूरे जनपद में, चाहे पूरे प्रदेश में जहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है वहाँ पर ऐसी व्यवस्था दी जा रही है सरकार द्वारा।